बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रब हाशमी। यकीनन आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आपको इसराइल और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टच कर दीजिएगा। दोस्तों जब से नए इसराइली वज़ीर आज़म आए हैं, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो गई है। दोस्तों गुज़श्ता रात मशरकी यरूशलम के इलाके शेख जर्राह में फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस ने हमला किया और ये हमला दस्ती बम, वाटर कैनन और रबर बुलेट के ज़रिए किया गया। कहा जाता है कि इस हमले के नतीजे में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया जो ज़ख्मियों को ले जा रहे थे। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें से कई की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है, जबकि फ़लस्तीनियों के जानिब से पत्थर और कुर्सियों से जवाबी हमला किया गया। दोस्तों हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुनिया अब तक खामोश है, जबकि आलमी मीडिया भी मुकम्मल सूरत हाल नशर नहीं कर रहा। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और ये जंग को मज़ीद बढ़ावा दे सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।